दोस्तों, रेलगन जो कि एक भविष्य का हथियार है, उसके परीक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें चीन बुरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर इसके अलावा चीन के सरकारी अखबार भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारत लगातार चीन को उकसाने और धमकी देने का काम कर रहा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयान पर अपनी बात रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये सारा मामला है की शुरुआत जब हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चीन और भारत की सीमा पर शांति बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सीमाओं पर स्थिरता और शांतिपूर्ण माहौल बना रहना दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए जरूरी है। इसी बात पर डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। इस वक्त दोनों देशों के बीच शांति भंग हो गई है और ऐसे में मौजूदा स्थिति का एहसास होना जरूरी है, क्योंकि ये स्थिति चीन के हित में नहीं है। बता दें, इसके बाद उन्होंने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही है। उन्होंने चीन को ये एहसास दिलाया कि ये स्थिति उनके पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि दोनों देशों की स्थिति पर इस वक्त संबोधन की आवश्यकता भी है। दरअसल आपको बता दें, भारत और चीन का विवाद सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पीएम मोदी और साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने अपने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत और चीन के बीच का जो मुद्दा है वह सुलझना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सबसे पहले सीमा विवाद को सुलझाना जरूरी है और इसमें पेट्रोलिंग एरिया यानी कि गश्त का एरिया शामिल है। बस इसी बात पर अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही ग्लोबल टाइम ने भारत को चेतावनी देने का भी काम किया। चीन के अखबार के द्वारा कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री का बयान चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है और चीन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन ने लिखा कि चीन ने कई एक्सपर्ट्स और साथ ही इंटेलेक्चुअल लोगों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। चीन के मीडिया ने संघाई एकेडमी ऑफ स्पेशल साइंस की रिसर्च फेलो टू जियोंग के हवाले से लिखा, भारत की ये टिप्पणी बर्दाश्त करने वाली नहीं है और ऐसे में चीन को अब सतर्क होने की आवश्यकता है। जो गश्त का अधिकार वाली टिप्पणी भारत की तरफ से की गई है, इसका मतलब विवादित क्षेत्र को भारत अपना क्षेत्र बता रहा है। चीन के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री के ये बयान बिल्कुल गलत है और साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर पर चीन ने आरोप लगाया। लिखा गया, सीमा से जुड़े मुद्दे बाहर रखना चाहिए। इसके अलावा चीन का मानना है कि पीएम मोदी के द्वारा की गई टिप्पणी लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालने के लिए की गई है। साथ ही चीन के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन को उकसा रहा है, ऐसे में दोनों देशों के बीच शांति होना चाहिए, लेकिन भारत को अपने बायलैटरल संबंधों को सीमा विवाद से दूर रखने की जरूरत है। यानी कि साफ है कि भारत की तरफ से सामने आए एक बयान से चीन बुरी तरह से बौखला उठा है। पीएम मोदी और साथ ही विदेश मंत्री को इस सोधी चेतावनी चीन को टेंशन देने वाली है। चीन इससे घबरा गया है और उल्टा भारत को ही उकसाने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन पीएम मोदी और विदेश मंत्री के बयान का भारत के एक्सपर्ट्स ने समर्थन किया है। उनका भी मानना है कि चीन के साथ सीमा विवाद को जल्द ही सुलझा लेना चाहिए और जिस भाषा में चीन समझता है उसी भारत में भारत को जवाब देना चाहिए। इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल चीन से ही निकलकर आ रही दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल हाल ही में चीन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का टेस्ट किया। हाइपरसोनिक स्पीड से एक टारगेट को हिट करने वाला गाइड गोला बारूद को लॉन्च किया गया। बता दें कि टेस्ट के दौरान 15 किलोमीटर की ऊंचाई से 5 गुना स्पीड से स्मार्ट बम फायर करना था, लेकिन चीन मानता है कि उसका यह टेस्ट बुरी तरह से फेल हो गया है। चीन की मीडिया के द्वारा लिखा गया कि यह टेस्ट फेल है क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने जिस रास्ते का पालन करना था उस रास्ते का पालन नहीं किया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ज्यादा स्पीड और ऊंचाई के कारण डिजाइन का मूल्य कम हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन आखिर क्या होती है। दरअसल ये एक असाधारण स्पीड से प्रोजेक्टाइल को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर काम करने वाला हथियार है। युद्ध की स्थिति में इस हथियार के माध्यम से काफी ज्यादा सैन्य बलों को फायदा होता है। इसके अलावा कहा तो ये जाता है कि काफी सालों से बल्कि कई दशकों से इस हथियार पर काम हो रहा है। हालांकि अभी तक इस हथियार पर प्रयोग और अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह हथियार काफी खतरनाक माना जाता है और इसे भविष्य का हथियार माना जा रहा है। अभी तक इस हथियार के ऊपर अमेरिका, जापान, चीन और भारत जैसे देश काम कर रहे हैं। हालांकि चीन का ये परीक्षण फेल जरूर हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रेलगन के क्षेत्र में चीन के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
रहा है। ऐसे में भारत को भी अपने इस तकनीक के ऊपर ज्यादा जल्दी से काम करने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।